नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, प्रेम इंद्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं होली का त्योहार आपने धूमधाम से मनाया होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं चंदापुर गली की तरफ। चंदापुर गली में हमारी चंदा चची, जिन्होंने बहुत ही दर्दनाक भयंकर मंजर वाले पोस्टर दिखाए थे और टाइटल्स डाले थे, जिनके मुताबिक उन्होंने बोला था कि कंटेंटो को चोट लग गई है, वो गिर गया है और चिकित्सकों ने उनको सलाह दी है कि 72 घंटे उसके ऊपर नजर रखनी है, ऑब्जर्वेशन रखनी है। ऐसा टाइटल देख के और पोस्टर पढ़कर समझ में आया, अंदर जाके मैंने इतना झांका ताका झांकी करी नहीं, बस पोस्टर देखती हूँ और उससे मैं कहानी बना लेती हूँ, अंदर क्या होता है 4 सालों में समझ आ गया है। तो अब हमारी चंदा चाची क्या करती हुई नजर आई, 72 घंटे की ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एकदम साइड कर दिया और वह छत्ते पर चढ़ गई। छत्ते पर चढ़कर वो नाच रही थी। फोटो पे लगाया हुआ था फेविकॉल और मुन्नी को कर रखा था एकदम बदनाम और नाचे जा रही थी पलंग तोड़ नाच करते हुए दिखाई दिए चंदा चची और माझा द टॉडलर एक साथ, और उनके गोद में वही कंटेंटो था जिसको लेके चंदा चची ने कल बहुत हल्ले मचाए थे। चोट लग गई, ये हो गया, मैं डर गई हूँ, 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो देखा क्या जाता है कि ऑब्जर्वेशन को एकदम साइड में कर दिया गया और हमारी चंदा चाची तेल की कढ़ाई में जाके फिर से बैठ गई, सारा काम छोड़ छाड़ दिया और बनाए गए चंदा चाची द्वारा बिलॉग्स। हालांकि कल जब चंदा चाची ने खबर दी थी, पोस्टर बनाया था जिनमें उनका कंटेंटो कह रही थी रो रहा है, रोते हुए कंटेंटो की उन्होंने फोटो डाली है, तो हम तो यही सोचते रह गए। चंदा चाची ने बताया था कि 3 से 4 घंटे वो रो रहा था। उन 3 से 4 घंटे अगर कोई लगातार कंटेंटो रो जाए तो उसकी माता घबरा जाती है, डर जाती है और चिकित्सक के पास दौड़ लगा लेती है। हमारी चंदा चाची ने सबसे पहले फोटो क्लिक करी रोते हुए कंटेंटो की, इसका मैं पोस्टर बनाऊंगी। वाह चंदा चाची, आपकी ममता की तो क्या ही कहने। नाचते गाते हुए चंदा चची और माझा द टॉडलर ने चोट खाए हुए ये कंटेंटो को खूब जोर जोर से हिलाया दौड़ाया नचाया और बहाना दिया कि उसकी पहली होली है। देखिए पहली होली है ठीक बात है, लेकिन क्या स्वास्थ्य से बढ़कर है? आराम से भी तो बना सकती थी पहली होली। चले चंदा चाची तो अपने मस्त, उन्होंने अपनी कढ़ाई भी चढ़ाई, उन्होंने तल तुल भी करी जो उनको करना होता है, नाच गाना भी किया, छत्ता पे चढ़ के खूब तमाशे लगाए। और उनकी जो चिलम चाट थी, जो कल से रो रही थी, छाती पीट पीट के पेटीकोट उठा उठा के नाच नाच के रो रही थी, रुदाली बनी हुई थी, वो ऐसी सूखी रह गई, क्योंकि ना वो रंग लाई, ना उन्होंने गुजिया तनी, ना उन्होंने मठरियां बनाई, कुछ उन्होंने नहीं बनाया अपने घर में चंदा चाची के पीछे। तो चंदा चाची का जो ये जादूगरनी तिलस्मी ताकतों की मालकिन चंदा चाची का मिशन इस बार भी त्योहार के टाइम अपने चिलम चाटों के घरों में मनुष्यत फैलाने का जो मिशन था वो पूरा हो गया है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि चंदा चाची जो हांडी में भर भर के माझा द टॉडलर को ऑफिस के लिए खाना देती थी, अब फाइनली माझा के लिए डब्बे खरीद लाई है। प्रेमोलॉजी चैनल कम्युनिटी पर चंदा चाची को ये सुझाव दिया गया था कि अगर उनको एक्टिंग करनी है माझा द टॉडलर को ऑफिस भेजने की, तो कम से कम ऑफिस ले जाने लायक डब्बे खरीद के लाए, और वो ले आई है। उनके मुंह से यह निकला कि अब माझा द टॉडलर ऑफिस जाने लगे हैं, इसलिए मैं डब्बे लेके आई हूँ। ये सुनकर हम हक्के बक्के बहुत चक्के रह गए, क्योंकि चंदा चाची तो हमको पिछले 4 सालों से बताती आ रही है कि माझा द टॉडलर रेगुलर ऑफिस जाते हैं। हाँ, बीच में लॉकडाउन में कुछ टाइम नहीं गए थे, लेकिन तब भी जाते रहते थे वो बीच बीच में काम धाम देखने। तो फिर डब्बे अभी लाई है वो, ठीक है मान लेते हैं, चलो चार तो मान ही लेंगे। जाते जाते हम चंदा चाची से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जुड़वा बच्चे जल्दी दिखाओ, कितना टाइम लगेगा इकट्ठा करके लाने में, मतलब कहाँ छोड़े हैं, कुछ देखा जाए, कुछ करो, लेके आओ, या किसी का उधार मांग के ही दिखा दो, दो जुड़वा बच्चे एक साथ। अब आपको जानकारी देते हैं चंदा चाची के सेट पैटर्न की। अब उन्होंने खुशियां मना ली है, तो मान के चलिए कि बहुत जल्दी या तो मैटरनिटी कांड आने वाला है या फिर इमरजेंसी कांड, क्योंकि चंदा चची मशहूर है मैटरनिटी जोन में रहते हुए इमरजेंसी करने के लिए, बहुत जल्दी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लोमड़ को फर्नीचर ढोते हुए कैरी करते हुए देखा है? मैंने भी देखा है। क्या आपने कभी किसी लोमड़ को किसी फर्श को खुरचते हुए अपने पंजों से देखा है? मैंने भी देखा है। ना जिंदगी लोमड़ के पे ये सब नहीं चल रहा था, ये सब चल रहा था इंडा यूट्यूबर बत्ती के चैनल पर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब लोमड़ को ये भंडे वंडे ये सब करने के अलावा एक और काम मिल गया। अब हमारी लोमड़ एक ठेला लेती है, नहीं सब्जियां नहीं बेचना जाती है, एक ठेला लेती है, उसमें बैठाती है वो सबसे पहले कंटेंटो को, और उस कंटेंटो को पकड़ कर बैठता है बत्ती बत्तमीज चोर।
और हमारी जो ये लोमड़ है वो ठेले को धक्का देते हुए जुटुक के गलियों में खूब शोर मचाती है। दे दे माई, दे दे, इनका पेट भरना है, दे दे। और जितने भी पह इकट्ठे होते हैं वो सारे के सारे पह बत्ती बदतमीज अपने पास रख लेता है। 1% अपने पास रखता है, बाकी सब परछाई में इंकुड़ी के पास चले जाते हैं। इंडियन यूट्यूबर बत्ती ने हमको अभी अभी जानकारी दी है कि लोमड़ का जो वो पुराना बिस्तर था जिसमें वो शादी से पहले सुहाने सपने देखती थी अपने होने वाले राजकुमार के, वो वाला बिस्तर अंदर वाले कमरे से घसीट कर फिर से वापस वहां चिमनी के बाजू में लगा दिया गया है, पटक दिया गया है। दुख तो हुआ क्योंकि देखिए हमने सोचा था कि लोमड़ को एक कमरा तो ये नसीब करवा देंगे, लेकिन हमने देखा कि लोमड़ की जगह जो है चिमनी से आगे बढ़ ही नहीं रही है। चलिए अब बिस्तर आके रख दिया गया है तो कुछ सवाल हम लोगों के दिलों में जाग उठे हैं। आशा करते हैं कि लोमड़ द गोमड़ और बत्ती बदतमीज चोर अपने अपने चैनल्स पर आकर हमें जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। तो कुछ सवाल हैं। एक सिंपल सा सवाल यह है कि इन्होंने पिछले कुछ महीनों में हम लोगों को ये पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए पूरा इन्होंने परपंच रचा था कि हमारी जो लोमड़ है वो अंदर वाले बड़े वाले कमरे में सोया करती है, उसमें एसी भी लगा है, उसमें उल्लू मीरा भी लगा है, उसमें गीजर भी उससे अटैच्ड बाथरूम है जिसमें गीजर भी लगा है, फुली ऑटोमेटिक मशीन भी लगी हुई है वॉशिंग मशीन, वहां पे टेबल और कुर्सी भी लगी हुई है जहां पे अपनी लोमड़ जो है एडिटिंग कर सकती है, बढ़िया गद्दा है, सब कुछ है उस कमरे में, तो वहां पे वो सोया करती है। ऐसा ये हमको पूरी सर्दी पकाते बनाते हुए चले। और बत्ती बदतमीज ने इसका रीजन यह दिया है बाहर वाले कमरे में चिमनी से लगा के बिस्तर डालने का, बेड डालने का, कि वहां पर एसी लगा है तो अंदर वाले कमरे में भी एसी लगा है जो चलता है। तो इतना बढ़िया जो इन्होंने इसको इतने आरामदायक बिस्तर इनके ही अकॉर्डिंग कमरा दिया था उसमें से निकाल के इसको ये किचन के बराबर में चिमनी के सामने पटकने की जरूरत क्या है समझ में नहीं आ रहा। बेड क्यों लगाया अंदर वाले कमरे से निकाल के जब वो ऑलरेडी अच्छे कमरे में सो रही है। अब लोग बोलेंगे कि वो लोमड़ अंदर सोती रहेगी और बत्ती बदतमीज वहां चिमनी के बाजू में सो जाया करेगा, ऐसी चला कि गर्मी उसे भी लगेगी। तो आपको मैं जानकारी दे देती हूँ कि बत्ती बदतमीज ने कम से कम 550 बार हम लोगों को ज्ञान दिया है पर्यावरण बचाओ, एसी की हवा से हो जाते हैं बीमार, वो मत चलाओ। तो वो ऐसे भी नहीं सोता है एसी में, वो बाहर खुली हवा में, उसको शहर से ही नफरत है, शहर की चीजों से नफरत है, उसको एसी वेसी भाता नहीं है, फ्रिज का पानी वो पीता नहीं है, घड़े का पानी पीने की सलाह देता है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, वो तो बाहर बेचारा टीने के नीचे सो जाएगा। और दूसरी बात ये, अब ये एक तरफ बोलते थे कि वो अंदर बिस्तर पे सोया करती है, दूसरी तरफ ये बोला करते थे कि उन्होंने नीचे गद्दा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि कंटेंटू गिर जाए, ऊपर रख दिया तो नीचे गिर जाएगा। तो वही कंटेंटो अब जब और भी ज्यादा एक्टिव हो चुका है तो अब उसको ऐसे ऊंचाई पर सुलाने का क्या मतलब है, अब वो नहीं गिरेगा। उसको ना गिरने से क्या उपाय निकाल रहे हैं ये दोनों, वो जरूर बताएं। अब आप लोग ही बताइए, पूरी भरी सर्दी में इन्होंने लोमड़ को नंगी जमीन पर सुलाया था, उसके फर में बर्फ जम जाती थी, बर्फीली लोमड़ के नाम से वो फेमस हो गई थी, और अब जब गर्मी पूरे जोरों पे आने वाली है तो वो हमारी लोमड़ को बेड दे रहे हैं कि इस पर सो जा ताकि वो फपल जाए। इसके बाद बत्ती बदतमीज चोर ने चुरा लिया सारा का सारा क्रेडिट लोमड़ के किए हुए कामों का। जी हाँ, एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बत्ती बदतमीज ने बताया कि चावल को तड़के, नमकीन चावल को तड़के बत्ती बदतमीज ने दिए हैं। उसने बताया कि स्कूटी पे जो सामान आया है दही और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो भी वही लेके आया है, और लोमड़ घर में पड़ी हुई थी मजे से आराम कर रही थी, ऐसा उसने बोला है। जाहिर सी बात है अगर बत्ती बदतमीज ने ये वाले काम किए होते तो उसने ब्लॉग जरूर बनाया होता, उसने नमकीन चावल की रेसिपी जरूर शूट की होती कि देखो मेरी चाहने वालियों ने रेसिपी मांगी थी, देखो स्वाद, और उसके बाद वो बाहर सड़कों के नजारे भी दिखाता कि देखो हमारे गांव में सुंदर सीनरी देखो, तो ब्लॉग जरूर आता अगर उसने ये काम किया होता। अब ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने ही किया था, तो इसको उनको चांस मिलना चाहिए सही प्रूफ करने के लिए। तो एक मैं तरीका बताती हूँ ये बत्ती बदतमीज और लोमड़ को, जिससे मैं मान जाऊंगी कि हाँ बत्ती ने ही काम किया था। कसम खानी होगी लोमड़ को बत्ती, नहीं नहीं बत्ती से नहीं कसम खिला सकते कि वो खाए लोमड़ की कसम की उसने कर, वो तो खा ही लेगा ना दौड़ के, नहीं 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 लोमड़ कसम खाएगी बत्ती बदतमीज की और कहेगी कल के ब्लॉग में सर पे हाथ रखे कि मैं कसम खाती हूँ बत्ती बदतमीज की कि ये सारा काम बत्ती बदतमीज ने ही किया था।
अगर बत्ती बदतमीज नहीं मानता है तो डीएनए में डीजे में तो है ही, उनकी कसम खा ले कि मैं अपनी डीएनए में की कसम खाती हूँ कि सारा काम बत्ती बदतमीज ने करा था। अगर वो भी हाथ झाड़ के चल देती हैं, कहती है ना ना, तो फिर परछाई में और सभी वैज्ञानिकों के दादाजी मोटू मल किंग कोबरा की फोटो वहां पे लगी हुई है, टंगी हुई है अभी भी, तो क्यों ना वो फोटो का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और हमारे लोमड़ दोनों के सरों पे ऐसे हाथ पंजे टच कर कर कसम खाए कि हाँ, चावल को तड़के जो दिए थे वो बत्ती बदतमीज ने ही दिए थे, और जो ये डब्बे भरने का काम किया था वो भी बत्ती बदतमीज ने करा, तब मैं मान जाऊंगी। देखो, तब मैं मान जाऊंगी। देखो, झूठी कसम खा भी ली लोमड़ ने तो ये हमारा हमारा वादा थोड़ी ना है, हमारा तो काम हो जाएगा, मैं मान लूंगी तब। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी औरतों के दर्द, औरतों की तकलीफ। औरतों में सबसे बड़ी औरत आउचिया आहा के बारे में, यानी कि चलेंगे छोटंकाबाद की डायरीज पढ़ने के लिए। हमारी आवची अब फिर से चली गई है औरतों के दर्द, औरतों की तकलीफें सुनाने वाले मूड में। बेचारी बनती है कैमरे के आगे, पूरा मेकअप निकाल के बैठ जाती है और पतली आवाज में रोना गाना चालू हो जाता है। पूरे 20-20 मिनट वो रो रही है आजकल। आपको पता भी है कुछ कि नहीं, आप हिंगुड़ी में खोए हुए हैं, अपनी आवचिया पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा चुटकुले सुना रही है, मैं आपको आगे समझा दूंगी क्या क्या चुटकुले है। पतली आवाज में बोलती है, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, मेरा बचपन बहुत बुरा गया। एक तरफ बोलती है स्टार्टिंग में कि मेरा बचपन बहुत बुरा गया, लास्ट में बोलती है मेरा बचपन बहुत अच्छा गया। डिसाइड नहीं कर पाई है अभी तक वो। आउचिया ने सबसे पहले हमको जानकारी दी कि वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले जहां बर्बादी मचाने गई थी वो जगह थी सोलन। सोलन गई थी अपने, जी हाँ, वही सोलन जहां पर अपनी इंकुड़ी के पाउच के रगड़ के निशान आज भी मौजूद हैं। जैसे ही आउचिया बस से नीचे उतरी, वहां पर सामने मोटोमल किंग कोबरा और इंकुड़े का पिंकुड़ी किस्मी बार और डेरी मिल्क का आदान प्रदान कर रहे थे। यह मंजर देख के आउचिया के पिताजी एकदम घबरा गए, बौखला गए और सकपका गए, और आउचिया को उल्टे पाव ही बस में बैठा कर वापस ले आए। खीरी खीरी छोटू खीरी, उन्होंने कहा कि मैं इतने मॉडर्न गांव में अपनी आउचिया को नहीं डालूंगा, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अब उनको क्या भनक थी कि जिस मंजर से वो अपनी आउचिया कच्ची कली को बचाना चाहते हैं, वो मंजर तो बाजू में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उनकी बिटिया रानी आउचिया औरतों में सबसे बड़ी औरत इतनी जोशीली, गर्मीली और भरपूर है कि वो वैसा मंजर कहीं भी क्रिएट कर सकती है। वो जहां ले जाएंगे तो वहां पे वो मंजर क्रिएट कर सकती है। इतना टैलेंट का पता ही नहीं था पिताजी को। आउचिया ने जानकारी दी। अब नया आउचिया के क्वालिफिकेशंस आपने सुननी है, इस पूरे वीडियो में आपने बस क्वालिफिकेशन सुननी है और आप चकरा जाएंगे। आउचिया ने नया ऐड किया है। पहले आउचिया ने MBA से ग्रेजुएशन किया था, अब आउचिया ने करा है सबसे पहले BTech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जी सुन लीजिए आप, आउचिया ने नल्ले को बेइज्जत, ससुर जी नल्ले को बेइज्जत करने के बाद अब अपना, उनका अपना नहीं, नंबर लगाया है खुद के पिताजी का। आउचिया ने जितनी भी कहानी सुनाई उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आउचिया अपने पिताजी के गुणगान गा रही है, महिमा मंडन कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। आप डिसाइड कर लीजिएगा सुन के आगे। आउचिया ने बताया कि उसका बचपन बहुत कष्टों में बीता है, बहुत परेशानियों में बीता है। आउचिया के पिताजी उसको पैर नहीं देते थे, बेचारी एक टाइम खाना खा के गुजारा करती थी, कपड़े नहीं दिलवाते थे, कुछ नहीं। जो भी करा है आउचिया ने खुद पैह कमा कर करा है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आउचिया अपने पिताजी को सुपरमैन बोलती है अपने, तो कौन से किस क्यों बोलती है। अब जाके समझ में आया कि आउचिया 35 की उम्र में 35 किलो की कैसे थी। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, 35 किलो की 35 की उम्र की महिला कैसे हो सकती है। अब जाके समझ में आया कि आउचिया जब भी अपने पिताजी से खाना खाने के लिए पैसे मांगा करती थी तो वो बोल दिया करते थे बचपन से ही, जब से वो कहती है मेरा बचपन बुरा निकला है, मैं बचपन से टेंशन में हूँ, तो बचपन से ही वो कहते थे कि तुझे बस पैह की बच्ची पड़ी है, तुझे बस खाने की पड़ी। इतने जुल्म हमारे आउचिया पे हुए। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि नल्ले मतलब ज्यादा जुल्म करे है अपने आउचिया में कि पिताजी ने करा है। आपस में कॉम्पिटिशन करके दोनों जनों का आउचिया बता देना
कौन ज्यादा जुल्मी है। पिताजी की इज्जत की बैंड बजाने के साथ साथ अवचिया ने पकड़ लिया है अब जिज्जा जिज्जी को भी, अपने खुद की जिज्जा जिज्जी को, सगी वाली जो है। इन्होंने बताया अवचिया आहा ने कि इनकी जिज्जा जिज्जी ने करी है प्रेम विवाह, वो भी जिद्दा वाली। जिद्दा वाली इतनी थी जैसे हमारी लुम्बड़ और एजन नन्नों की, यानी कि सिंपल शादी, कोई पैखर्च नहीं करे पिताजी ने, जैसे डीजे मीने नहीं करे थे। पिताजी वहां भी खेल गए थे। अवचिया ने हमको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए बताया कि 18 वर्ष की कचनार कली जत्ती, वो कच्ची कली अवचिया लखनऊ जैसे बड़े शहर में अकेले चली आई थी। पिताजी उनको छोड़ के चले गए थे। अब वहां पर अपनी अवचिया भूखी प्यासी घुमा करती थी। अवचिया ने बताया कि वो उसको खाने के पैर नहीं देते थे, हॉस्टल में रहने के पैर नहीं देते थे, कपड़ों के पैर नहीं देते, किसी चीज के पैर देते नहीं थे। सुबह सवेरे बस चाह पे चलती थी अपनी अवचिया, तो 35 किलो की ना होती तो क्या 40 किलो की होती। इतना ही नहीं, जब त्योहारों पर छुट्टियां होती हैं, दिवाली होली दशहरा की जब छुट्टियां होती हैं, तो सारी सखी सहेलियां अवचिया के अपने अपने घर अपने अपने गांव चली जाती थी, और अवचिया को साफ मना कर दिया जाता था, घर ना ही तू, वहीं रही अकेले। इतना जुल्म करा जाता था। अब मैं इसलिए, देखिए आप समझ जाएंगे ना मैं कितना कंफ्यूज हो जाऊंगी, क्यों नहीं कंफ्यूज होंगी कि पिताजी ज्यादा जुल्मी है कि नल्ला ज्यादा जुल्मी है, क्योंकि कम से कम नल्ला चलो बोली देगी चपत लगा देता है नल्ला, लेकिन त्योहार पे खाना देता है। अवचिया ने बताया कि पिताजी के खर्चे पता नहीं कहाँ होते थे, क्योंकि अवचिया ने बताया कि ऐसा सब इसलिए होता था क्योंकि इलाज चल रहा था। आप समझ गए होंगे किसका इलाज चल रहा था, और ये इलाज में अवचिया ने आज भी बोला कि ढंग का इलाज होने की जगह पर ज्यादातर जो है वो झाड़ फूक टाइप का जो होता है उस तरह का उन्होंने रखा था। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात अवचिया ने आज भी बोली, और ये वाली बात अवचिया ने पहले भी बोली है कि ये बोलती है कि ढंग की जगह से करवा लो और वो लोग नहीं करवाते हैं। अवचिया ने हमको ये भी बताया कि माताजी, अवचिया की जो माताजी हैं वो भी हमेशा रोती रहती थी। अवचिया ने खुद अपने मुंह से बोला है कि माताजी हमेशा रोती रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। समझ सकते हैं कि बच्चे परेशान थे तो एक के वो जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से रोती रहती थी। एक की तो शादी हो गई थी और अपनी अवचिया अपने पैरों पे खड़ी थी, बताती है वो स्ट्रांग वुमन थी, तो वो तो अभी समझ में नहीं आता कि पिताजी पैर करते क्या थे, बेटियों पे खर्चा करा नहीं। अब देखिए शादी सिंपल कर दी थी बड़ी वाली की, अवचिया ने अपना खर्चा खुद ही उठाया है, उसको तो खाने के भी पैर नहीं दे रहे थे, और जिसके इलाज के नाम पर इन पे इतना जुल्म किया गया उसका इलाज भी ढंग से नहीं हो रहा था। बोली है अपने आप कि वो सब झाड़ फूक वगैरह में करवाते थे, तो पैर जाते किधर थे। अवचिया इतनी सारी बुराई घर वालों के करने के बाद बोलती है कि देखो ना माता जी खराब है, ना पिताजी खराब है, ना जीजी जी खराब है, ना जीजा जी खराब है, ना मैं खराब हूँ, मैं यानी कि अवचिया। अब देखो हर चीज से मैं एग्री कर सकती हूँ, क्योंकि मानते हैं ना कि जब घर में इस तरह की चीजें चल रही होती हैं तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, सबका मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, मान सकते हैं कि सिचुएशन खराब थी इसलिए उन लोगों ने इस तरह से बिहेव कर दिया होगा अवचिया के साथ। लेकिन अवचिया ने जो ये बोला कि मैं भी खराब नहीं हूँ, इससे मैं एग्री नहीं करती। देखिए जब ये सब सिचुएशन चल रही थी अवचिया के मायके में तो मान सकते हैं कि सब कुछ खराब चल रहा था, वो लोग फाइनेंशियली भी उनका नुकसान हुआ, फिजिकली भी नुकसान हुआ, मेंटली भी नुकसान हुआ। अब अवचिया का देखिए, उनकी हर सिचुएशन को, जितना भी उनका दुख सुख कुछ भी था, उस सब को बेच बाच के अवचिया ने डॉलर्स कमाए हैं, और आज भी कमा रही है, अभी भी कमा रही है, इस वीडियो में भी कमाएगी, और एक पैसा वहां पे नहीं भेजेगी। तो अवचिया तुम तो बहुत ही खराब हो भाई। इन सब के बीच में अवचिया ने सबसे ज्यादा जो अपने जवानी की, कहते हैं ना जवानी की परेशानियों को जो दोष दिया है, वो जिज्जा जिज्जी की प्रेम कहानी को दिया है। अवचिया ने बताया है, अवचिया ने बोला है, वर्ड है अवचिया का, कि ये जो जिज्जा जिज्जी का केस हुआ था ना, मतलब ये देख लीजिए, वर्ड्स देख लीजिए, जिज्जा जिज्जी की प्रेम कथा को बोल दिया कि उनका केस हुआ था, और इन अपनी जो है ये लव स्टोरी सुनाने बैठती है कि हमारी लव स्टोरी हुई थी, इसकी लव स्टोरी हुई थी, उनका केस हुआ था। जबकि जिज्जा जी जो है ऑफिसर रैंक पे कार्यरत हैं, और मान लीजिए तब वो ऑफिसर नहीं रहे होंगे तो क्लर्क रहे होंगे,
तो वो तो हो गए केस वाले, ये हो गई प्रेम कहानी वाली। आउचिया की जिज्जी का लप्पा झप्पा बन गया है केस, और आउचिया का लप्पा झप्पा बन गया है प्रेम कहानी। आउचिया ने बताया अपने जमाने के किस्सों का राज, और बोलती है कि जब ये जिज्जा जिज्जी की प्रेम कहानी वाला केस हुआ था तो पास पड़ोसी वाले रिश्तेदार अक्सर यह कहा करते थे कि मतलब वो बोला करते थे कि आउचिया भी ऐसा कुछ कर लेगी, आउचिया भी केस कर लेगी, आउचिया भी प्रेम में लिप्त हो जाएगी, कोई पकड़ लेगी। बेसिकली पड़ोसियों और रिश्तेदारों की ये एक्सपेक्टेशंस हो गई थी कि बड़ी वाली जिज्जी ने ऑफिसर पकड़ा है तो छोटी वाली आईपीएस से कम में ना मानेगी। और आउचिया ने क्या पकड़ा? नल्ला, वंस अ नल्ला ऑलवेज अ नल्ला। इस वाले वीडियो में बेसिकल जैसे पुराने वाले वीडियो में वो जो दो तीन डिलीट करे हैं बाद में, उसमें इसने सर्टिफिकेट दिया था नल्ले को, वंस नल्ला ऑलवेज नल्ला, हमेशा के लिए सर्टिफिकेट दे दिया, वैसे इस वाले वीडियो में पिताजी को सर्टिफिकेट मिला है कलेशी होने का। आउचिया ने बताया है पिताजी बहुत बड़े कलेशी हैं। आउचिया इतना डरती थी, इतनी परेशान रहती थी, आउचिया को समझ में नहीं आता था कि उसकी शादी कभी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और हो जाएगी तो आउचिया को यह डर रहता था कि पिताजी मंडप में ना लड़ पड़े, क्योंकि पिताजी कहीं पे भी लड़ पड़ते हैं। वो किसी से प्यार से बात नहीं कर सकते, वो किसी की प्यार से बात सुन नहीं सकते, वो हमेशा अपनी चलाते हैं और हमेशा लोगों पर चिल्लाते रहते हैं। और बताया ही था कि माताजी हमेशा रोते रहते, तो यहाँ पे उसने सुसु मीडिया पर बैठ कर हमारे आउचिया ने, औरतों में सबसे बड़ी औरत ने, अपने पिताजी को सबसे बड़े कलेशी होने का सर्टिफिकेट फाइनली दे दिया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ना मैं कैसे बोलूंगी, मुझे क्या पता, ये सब आउचिया ने सुनाया है। फिर हमारी आउचिया ने एक अपने जवानी के टाइम पर, जब वो 18 साल में तो जवान ही हो जाते हैं, आउचिया अपने को बच्चा बोल रही थी, लेकिन हम तो भाई वही बोलेंगे जो सरकार बोलती है, तो जवानी के दिनों के किस्से एक सुनाती है और बताती है हमको कि गर्मियों के दिन होते थे तो ये लोग ऐसे सोने का अरेंजमेंट था कि पिताजी और भैया जी एक रूम में सोते थे और माताजी और आउचिया एक रूम में सोया करते थे, और पंखे चला करते थे गर्मियों में, और पिताजी जालिम पिताजी पंखा जो बंद करते थे ना, वो माताजी के कमरे का पंखा बंद करते थे, अपने कमरे का बंद नहीं करते थे, मस्त सोते थे पंखा चला के। सवेरे सवेरे उठकर पंखा वो आउचिया के रूम का, माताजी के रूम का बंद कर दिया करते। पिताजी का मानना यह था कि घर की औरतों पे बिजली क्यों बर्बाद करनी है, उनकी आउचिया किसी बिजली से कम है क्या? अरे हम सोचा आउचिया वो वाला वर्जन क्या हुआ, वो जो अभी एक दो हफ्ते पहले सुना रही थी, तुम बोल रही थी ना कि आउचिया ने सुनाया था कि जब ये आंख खोलती थी सुबह सवेरे तो आंख खुलने से भी पहले पिताजी बैठा करते थे आउचिया के सिरहाने आकर, और तुरंत आवाज लगाते थे, साहब आउचिया के मुंह में चाय छान दो जरा, और मुंह भी नहीं खोलने देते थे आउचिया को, वो ऐसा आउचिया अपनी लेटी रहती थी, पिताजी उनका मुंह खोलते थे हमारी आउचिया का, और साहब आके मुंह में चाय ठोस देती थी, छान देती थी आई मिंटू से। कहने का मतलब है कि आउचिया की आंख खुल के एक बार झपकती नहीं थी कि इतनी ही देर में आउचिया के मुंह में चा ठूस दी जाती थी। अब वो वाला वर्जन क्या करें हम, बताओ ये वाला वर्जन सही है पंखा बंद करने वाला कि वो चा ठूसने वाला सही है, बता देना, कंफर्म कर देना। आप लोग जानते हैं हमारी आउचिया ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद किस कोर्स की जान मारी होगी, एयर होस्टेस ट्रेनिंग की जान मारी थी। आउचिया ने बताया कि जब इंजीनियरिंग से उनका मन भर गया, उनकी बोरियत हो गई, फिर उन्होंने कोर्स किया एयर होस्टेस ट्रेनिंग का, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े ब्रांड्स की मॉडलिंग भी की और एंकरिंग भी की। हम कहें आउचिया कोई क्लिप हो, क्लिप फोटो नहीं, वो 35 किलो वाली फोटो नहीं चाहिए, क्लिप हो तो जरूर दिखाना एंकरिंग वाली, हमको भी देखना है। आपके एंकरिंग के बाद लोग ताली पीटते थे कि अंडे बजाते थे, और मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे आउचिया ने कौन से ब्रांड्स उस टाइम पर प्रमोट किए होंगे। आउचिया जरूर बता, रैंप वॉक भी किया होगा तो किसी डिजाइनर के लिए किया होगा, किसी ब्रांड के लिए किया होगा, जरूर बताना कौन कौन से ब्रांड को आपने प्रमोट किया था। आउचिया ने बताया कि जब वो मॉडलिंग और एंकरिंग जैसे काम कर रही थी तब वो 250 रुपए, वैसे ढाई बोले ऐसे कुछ बोली थी, पहले मुझे 28 सुनाई दिया था, इस तरह से बोली थी, लेकिन 250 रुपए पर डे पे बेचारी हमारे आउचिया ये वाले मॉडलिंग और एंकरिंग के काम कर रही थी। मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि 250 रुपए में कौन अपने ब्रांड प्रमोट करा रहा होगा। नहीं, आउचिया हमारी मॉडलिंग करती थी कि वहां जाके मॉडल्स के मुंह पर पानी मारा करती थी, या वो जो पोचा पकड़ के चलते हैं पीछे, पूछ पकड़ के चलते हैं मॉडल्स का, पीछे पीछे चलते हैं ना, अरे देख लीजिए आप
इस तरह से जो चलते हैं वो काम किया करते थे 250 रुपए पर डे में। मैं अवचे से बोलना चाहती हूँ, इससे बढ़िया ईंटा ढोने का काम कर ले, तब भी 400 रुपए पर डे लेते थे वो लोग ईंटा ढोने वाले भी। फिर मुझे सजेशन आया किसी की तरफ से, मेरे किसी सब्सक्राइबर की तरफ से, उन्होंने मुझे बताया कि वो वाली एंकरिंग करती होगी जो शादी ब्याह में बैंड में वो सामने नहीं वो रथ सा चलता है जिसमें बड़े बड़े स्पीकर रखे होते हैं ब्याह वो बारात में, तो उसमें जो चढ़ के एक इंसान जो है एंकरिंग करता है वो बोलता है कि अब दूल्हे के मामा जी नाचेंगे, अब फूफा जी नाराज होकर जा रहे हैं उनको पकड़ के खींच कर घसीट के लाइए वापस यहाँ ना चाहिए, उस तरह की। मैं अवचिया को बता दूंगी उसको लूटा गया है उस, वो भी ज़्यादा ले लेते होंगे। तो अवचिया अगर 250 रुपये में ये सब काम करने की क्या जरूरत थी, ईटा भी ढोना मतलब ज़्यादा फ्रूटफुल रहता, और वो भी नहीं लग्जरी लाबिस चाहिए था तो पुतन की तरह दो घर पकड़ लेना था, वो भी आसान, वो भी ठीक रहता। 250 रुपये पर डे में मॉडलिंग और एंकरिंग कर रही थी। मैं सच में अचंभित हूँ, आप लोगों को कोई ब्रांड पता हो ऐसा, मेरे हिसाब से तो बंदर छाप वाला भी नहीं करवाएगा 250 रुपए में एंकरिंग और मॉडलिंग। अवचिया ने फिर से हम लोगों को दुखड़ा सुनाया, मैंने बताया ना कि जिज्जा जिज्जी का नंबर लगा था, तो उसने बताया कि जिज्जा जिज्जी की प्रेम विवाह वाले केस के बाद अवचिया ने बहुत सुना। देखिए हम मानते हो सकता है सुना होगा, सच्ची बात है, सुनाते ही हैं कि तेरी जिज्जी ने ऐसा कर लिया, इस तरह की बात सुनी होगी, कुछ साल सुन ली होगी अवचिया ने। लेकिन अब आप उन जिज्जा जिज्जी के मानसिक कष्ट का आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए इसने तो कुछ साल सुना था, अब उन लोगों को तो जिंदगी भर सुनना है। अब देखिए ये अपनी जो है अवचिया ने अपने जैसे नल्ले को सर्टिफिकेट दे दिया है नल्ले का, अब वहां पे वो जिज्जी निकलती होगी तो लोग बोलते होंगे तुम्हारा जिज्जा तो नल्ला है नल्ला। वहां पे वो जिज्जा जी जो है ऑफिस जाते होंगे तो बोलते होंगे लोग तुम्हारे साड़ू भाई तो नल्ले है ना, इस तरह की बात। इसके अलावा अपनी अवचिया क्या नहीं बेचती है, क्या नहीं बतलाती है, यहाँ तक कि महावारी की तारीख तक बताती है अपने, सब कुछ पेट खोल खाल के दिखा देती है, अंग प्रदर्शन। इस भरी जवानी से गदराए हुए बदन से अंग प्रदर्शन देखने के बाद जिज्जा जिज्जी क्या नहीं सुनते होंगे, यहाँ तक कि जिज्जी को तो ससुराल वाले और जिज्जा जी जाने क्या क्या सुनाते होंगे। क्यों? क्योंकि अवचिया ने मशहूर कर दिया है कि जो जिज्जा नल्ला जिज्जा है वो अवचिया पे वायलेंस एकदम डोमेस्टिक अब्यूज कर डालते हैं, और उसके बाद अवचिया उनके चरणों में जाके लेट जाती है, इस तरह की सुसु मीडिया पे अवचिया ने अपनी छवि बनाई है। तो जिज्जा जी वहां पे चढ़ते नहीं होंगे सर पे कि देख वो तो ऐसे कर रही, तू भी कर। अरे बाकी सब जाने दीजिए, ये अपनी अवचिया तो चहवास भी जब करती है तो सुसु मीडिया पे अनाउंसमेंट करने के बाद ही करती है कि अब मैं करने जा रही हूँ और यही करूंगी 24/7 करूंगी। अब सोचिए जो बच्चे हैं इनके जो भांजे भतीजे हैं वो स्कूल जाते होंगे, वहां पे टीचर पूछा करते होंगे, बच्चे पूछते होंगे चहवास की क्या सिचुएशन है, जिज्जा ऑफिस जाते होंगे पूछते होंगे कहाँ तक पहुंचा भैया, और जिज्जी का गली गली में रोक रोक कर सब पूछते होंगे, सब्जी वाला भी पूछता होगा कुछ फल निकला कि नहीं क्या, मतलब आप सोचिए इसने तो थोड़ा सा ही सुना होगा। अब उन लोगों का सोचिए वो तो आज भी सुन रहे हैं, 20 साल बाद भी उनको यही सब सुनना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों देखिए, अवचिया का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद अवचिया का एंकरिंग और मॉडलिंग हो गया, और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रहे थे अवचिया, ये बताया मैंने। अब आप आगे सुनिए, अवचिया की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग पूरी हुई और वो मजे से इंटरव्यूज देने जाने लगी। इंटरव्यूज जब वो देने जाने लगी तब अवचिया को पता चला कि हाइट तो बहुत कम है, तब पता चला। सोचिए पूरा कोर्स कर डाली और भाई को बाद में पता चला कि हाइट तो कम है, कमाल है कि नहीं है ये। तो जब हाइट कम निकली तो हमारी अवचिया फिर होटल के काम में चली गई, होटल मैनेजमेंट या जो भी काम करती होगी होटल बिजनेस में चली गई, ऐसा अवचिया ने बताया है। तो जब वो होटल वोटल का काम अवचिया निपटा रही थी तब अवचिया ने डिसाइड करा चलिए बीबीए भी कर डालते हैं। अवचिया ने 3 साल ताबड़तोड़ एकदम बढ़िया नंबर के साथ बीबीए पास कर डाली। अब बीबीए करने के बाद अवचिया ने डिसाइड करा कि अब मैं एमबीए भी करूंगी, और अवचिया ने एमबीए भी कर डाला। और आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है अपनी अवचिया प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में भी घुसी हुई थी, उसने अपने सबसे पहले बॉस से मिलवाया था और वहां पे बताया था कि प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में भी अवचिया काम करती थी, वो तो ये ना भूल गई आज। अवचिया ने यह बताया कि एमबीबीए करने का निश्चय उसने ये सोच के करा था कि प्रमोशन मिलने में आसानी होती है। तो मैं ये उससे पूछना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में प्रमोशन लेके अवचिया कितने जाने वाली थी, कौन सी पोस्ट पर? और इसके अलावा आपको याद ही होगा अवचिया ने आउटडोर बिजनेस का भी
लाखों छापे हुए हैं, बहुत बड़ा उसका जो है क्या कहते हैं उसको एक्सपीरियंस है, ये बोल चुकी है। और आप मानेंगे विश्वास, ये सारा काम उसने 25 वर्ष की उम्र तक कर लिया था, ये सब कुछ 25 वर्ष तक निपटा डाला आहुचिया ने। तो ये जो 25 वर्ष तक ये सब हुआ है, तो उससे मुझे तो यह शक पड़ता है कि आहुचिया ने शायद बीए भी पूरा नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। 2 साल की होगी या 1.5 साल की होगी, बाकी पेपर भी नहीं दी है ये बचा कुचा। तो आहुचिया आहा, तुम एक काम करो, अब तुम पे बहुत ज्यादा अविश्वास हो गया है। पहले मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी बात सुन भी लेती थी, अब नहीं सुन पा रही हूँ। तो एक काम करो, कागजा मिले होंगे इतने सारी चीजें करने का, कागजा दिखा देना बस। नहीं, कागजा हम इसलिए नहीं देखना चाहते कि हमको चेक करना है, कुछ चेक करना है। हमको यह चेक करना है कि आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है उनको वहां, वो जहां जहां से आहुचिया ने करा उनसे दूर रखना है, उनसे सेफ रखना है, वहां नहीं भेजना है बस। आहुचिया ने फाइनली हमारे दिलों में यह बात घर करा दी है कि आहुचिया छोटू खीरी की पुतन परी थी, जिसका यही समझ में नहीं आता है कि वो अपने घर की लड्डो रानी है कि हाउस हेल्प है। समझ में नहीं आ रहा है, आहुचिया खुद ही कंफ्यूज है और साथ में हमें भी कर दिया है। आहुचिया ने अपने ये वाली कहानी खत्म करी, उसे खत्म होने से ही पहले वहां नल्ले ने किचन में खिचड़ी चला दी थी, जिसकी सीटियों की आवाज धनाधन बजने लगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं नल्ला खिचड़ी बना रहा था, आउची कहानी सुना रही थी। यहाँ कहानी खत्म हुई, वहां खिचड़ी की सीटियां आ गई। दोस्तों, अंत में मैं बताना चाहूंगी कि हमारी आउचिया ने कई बार, हर बार बिना मतलब ये सफाई दी है कि आउचिया के पिताजी कभी घूस नहीं लेते थे, और उस बात को भी आज आउचिया ने डामाडोल कर दिया है। कैसे? आउचिया ने बताया कि बीच में भैया जी की तबीयत बहुत सही हो गई थी और वो नौकरी करना चाहते थे। आउचिया ने बोला नौकरी करवा दो, करने दो। तो पिताजी ने बोला कि मैं जुगाड़ लगा के सरकारी नौकरी में डालूंगा। जुगाड़ का मतलब समझते हैं ना आप? जुगाड़ मतलब पै दे के मैं नौकरी पे डाल दूंगा। अब आप ही सोचिए, मिडिल क्लास फैमिली जैसा आहुचिया बताती है। आहुचिया ने इसी वीडियो में बताया कि पिताजी को 40,000 रुपए मिलते थे सैलरी के, इसी वजह से वो आहुचिया की फीस 15,000 जो थी वो नहीं देते थे, मना करते थे कई बार या देने में चिल्लाने लगते थे। तो वो इंसान बोल रहा है कि मैं जुगाड़ कर सरकारी नौकरी में फिट कराऊंगा। अब आप समझ सकते हैं ना सरकारी नौकरी का क्या मतलब होता है और उसमें कितना जुगाड़ लगाने के लिए लाखों का खेल हो जाता है। लाखों जो 40,000 रुपए बता रही थी आहुचिया, 3 बच्चे, आहुचिया नहीं बताया, बहुत परेशानी थी, वो लाखों रुपए की देके वो फिट कराने वाले थे। मतलब ये आइडिया आया होगा तो पैसे तो होंगे ना पास में, ऐसे कैसे किसी को आइडिया आ जाएगा? जब पैसे बहुत सारे होंगे तभी कोई कहेगा ना ऐसा। बाकी मैं बता दूं कि जुगाड़ लगाना ये सब जो काम करना है, ये एक तरह से इल्लीगल होता है, होना भी चाहिए। आप सोचिए, बहुत सारे लोग हैं सरकारी नौकरी के, सालों करते हैं, एग्जाम देते हैं, तैयारी देते हैं, रात रात भर जागते हैं, कोई कोचिंग ले रहा है, कोचिंग में खर्चा कर रहा है, और बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब जाके कहीं पास होते हैं, तब जाके कहीं उनकी नौकरी लगती है। और ये लोग, इस तरह के लोग जो आइडिया लगा के पैह खिला के घुसने की कोशिश करते हैं, एकदम नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को बिठा देते हैं सरकारी काम करने की जिम्मेदारी दे देते हैं। ऐसा आहुचिया ने बताया, ऐसा आइडिया इनके पिताजी के दिमाग में था, ऐसा आहुचिया ने बताया। तो आहुचिया किस मुंह से बोलती है कि पिताजी नहीं लेते थे, समझ में नहीं आया, क्योंकि देने को तो तैयार थे वो, बहुत सारे देने को तैयार, पता नहीं भाई, आहुचिया बता देगी। अब हम एजेंट नन्नू से फिर से वही सवाल करना चाहते हैं, मौका मिला है तो पूछ लेते हैं जाने से पहले, कि जिस बहन को दिखा दिखा कर, उसके कंटेंटो को दिखा दिखा कर, उसके हर चीज को कहानी सुना सुना कर एजेंट नन्नू ने इतने सारे डॉलर छापे हैं, तो उस बहन का एक चैनल खोलने में क्या तकलीफ है? और कितने दिन चाहिए? एजेंट नन्नू ने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ दिन लग जाते हैं, अभी तो महीने निकल गए हैं, तो और कितना टाइम चाहिए? कब खुलेगा बहन का चैनल? अगर चैनल नहीं भी खुलवाता है तो चलता है, बस इतना बता दे कि बहन से इतनी जलन क्यों है, जरूर बता देना। और अंत में हम इंकुड़े द पिंकुड़े को मैं ये संदेश अपना देना चाहती हूँ कि इंकुड़े द पिंकुड़े तो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, मैं तेरा वीडियो देख ही लेती थी, चाहे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ चाहे कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन जो तूने ये पिछले एक मंथ से तूने मचाया हुआ है इंकुड़े द पिंकुड़े, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें भी मैंने स्किप करके उधर जाके डाल के बस देखा था कि क्या बकवास मचाई है, उतना ही सुना था। और यकीन मान, आज वीडियो बना रही हूँ, मैंने स्किप करके भी बकवास सुनने की कोशिश भी नहीं करी है, इतना बोर, इतना पका दिया है। एक सजेशन देती हूँ, जल्दी से भग जा, फिर से डीजे गन जा, अपना फ्लाइट का टिकट बुक करा, जल्दी जा और कुछ बना, कुछ अच्छा कर,
मतलब गोबर फैलाना है तो कम से कम ताजा गोबर फैलाना, नहीं तो लोमड़ को अपना फेवरेट बना लूंगी। और वो बनती भी जा रही है, कम से कम उपले बनाती है ताजे गोबर के तो बनाती है, देख के मतलब कुछ निकालने में तो मिलता है। ये बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चल मिलेंगे, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। और आप सबको भी नमस्कार।